आप देख रहे हैं शूट, आप देख रहे हैं कि कैसे इस बस में पवन खेड़ा जी को और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी उनके साथ जा रहे हैं। इन लोगों को असम की पुलिस लेकर जा रही है। ये वही असम की पुलिस है जब निहत्थों पर वार होता है तो चुप रहती है। मैं पूछना चाहती हूँ उन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म किया है कि इनको यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है और असम की पुलिस हरकत में आ रही है। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? ये बात करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी की, ये आपकी अभिव्यक्ति की आजादी की असलियत है। और अगर आपको एक्शन लेना ही है अब शब्दों पर, तो खूनी पंजा पर, कांग्रेस की विधवा पर, जर्सी गाय पर, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पर, रेनकोट पहनकर नहाते हैं हमारे प्रधानमंत्री को कहने पर, पहले नरेंद्र मोदी जी को गिरफ्तार करिए और फिर किसी के खिलाफ एक्शन लीजिएगा। निजी आक्षेप आप लगाते हैं, नेहरू का सरनेम क्यों नहीं यूज करते? जैसी ओछी बात भारतीय संस्कृति के खिलाफ आप बोलते हैं और हमारे नेताओं को यहाँ से अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। एक स्लिप ऑफ टंग हुआ, उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया। आपने तो पूरे होशो हवास में इतनी भद्दी और गंदी बातें कही हैं कि आप मुंह छिपाने लायक नहीं है। ये तो आप सब कर सकते हैं, पर आपको मेरे आप देख रहे हैं शूट, आप देख रहे हैं कि कैसे इस बस में पवन खेड़ा जी को और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी उनके साथ जा रहे हैं। इन लोगों को असम की पुलिस लेकर जा रही है। ये वही असम की पुलिस है जब निहत्थों पर वार होता है तो चुप रहती है। मैं पूछना चाहती हूँ उन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म किया है कि इनको यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है और असम की पुलिस हरकत में आ रही है। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? ये बात करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी की, ये आपकी अभिव्यक्ति की आजादी की असलियत है। और अगर आपको एक्शन लेना ही है अब शब्दों पर, तो खूनी पंजा पर, कांग्रेस की विधवा पर, जर्सी गाय पर, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पर, रेनकोट पहनकर नहाते हैं हमारे प्रधानमंत्री को कहने पर, पहले नरेंद्र मोदी जी को गिरफ्तार करिए और फिर किसी के खिलाफ एक्शन लीजिएगा। निजी आक्षेप आप लगाते हैं, नेहरू का सरनेम क्यों नहीं यूज करते? जैसी ओछी बात भारतीय संस्कृति के खिलाफ आप बोलते हैं और हमारे नेताओं को यहाँ से अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। एक स्लिप ऑफ टंग हुआ, उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया। आपने तो पूरे होशो हवास में इतनी भद्दी और गंदी बातें कही हैं कि आप मुंह छिपाने लायक नहीं है। ये तो आप सब कर सकते हैं, पर आपको मेरे आई नीड ऑर्डर ऑफ डिटेंशन, ऑटो पुलिस को बाहर बोलना करना।